HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यूके के डर्बी में रहने वाली चेरिल बेल ने लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए अपनी 2 साल की बेटी के साथ हुई दुर्घटना को सोशल साइट्स पर शेयर किया है। चेरिल की बेटी केसी बैराडेल ने गलती से अपने खिलौने में लगे लिथियम बैटरी को निगल लिया, जिसके बाद उसकी जान खतरे में पड़ गई। बैटरी की वजह से केसी की भोजन नली पूरी तरह जल गई, जिसके बाद अब हमेशा के उसे ट्यूब के जरिए खाना पड़ेगा। अचानक उल्टियां करते हो गई थी बेहोश। केसी अपने खिलौनों से खेल रही थी, तभी गलती से उसने खिलौने में लगी बैटरी निगल लिया। अचानक केसी उल्टियां करने लगी और फिर बेहोश हो गई। चेरिल तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां एक्सरे के दौरान पता चला कि केसी ने पेंसिल बैटरी निगल लिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक केसी के जिंदा बचने के मात्र 40% चांस थे। 6 घंटे की सर्जरी के बाद बैटरी निकाला गया, लेकिन तब तक केसी की बॉडी का फूड पाइप पूरी तरह जल गया था। अभी होनी है कुछ और सर्जरी। बिर्मिंघम चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में एडमिट केसी अभी 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रहेगी। आगे उसकी कुछ और सर्जरी होनी बाकी है। पहली सर्जरी से उसकी बॉडी से बैटरी तो निकाल दी गई, लेकिन उसके कमर के नीचे के हिस्से में लकवा मच गया, इसलिए अभी कुछ और दिन हॉस्पिटल में ही उसका इलाज चलेगा।